भाई ये डबल ट्रेन है हमारी, ऊपर और नीचे देख सकते हैं, ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं। अंदर चलते हैं जरा, मालूम करते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, ऊपर भी लोग जो है वो बैठ सकते हैं। जिस तरह देख सकते हैं, ये लोग ऊपर सीट्स दी गई हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स दी गई हैं, और बड़ी चौड़ी जगह है, इजीली जो है आप यहाँ बैठ सकते हैं। और फिर इसके अलावा देख सकते हैं ये ऊपर का ही पोर्शन है, एसी भी चल रहा है, और ये आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो वॉशरूम का भी हिसाब किताब यहाँ मौजूद है। और ये देख सकते हैं भाई, ये वॉशरूम है, ठीक है। अभी थोड़ी सी लाइट वगैरह काम है, प्रॉपर जो है सेटअप दिया गया है वॉशरूम का, बेसन वगैरह और WC। इसी तरह जो है पोर्शंस अलग अलग दिए गए, जैसे ये जो है वो लास्ट पोर्शन है, सही है। और ट्रेन देख सकते हैं, इसके डब्बे जो है 6 डब्बे थे, और हमारा जो है 5वां डब्बा था, फिर यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये डबल ट्रेन थी, ऊपर साइड पे भी और ये नीचे साइड पे भी। बाकी एग्जिट करते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के देखते हैं। बाकी भाई नीचे का जो है ना पोर्शन, बेसमेंट जो है अंडरग्राउंड, इन्होंने बहुत बेहतरीन बनाया हुआ और बहुत बड़ा बेसमेंट बनाया हुआ है। बेसमेंट इनका जो है ना ठीक ठाक बड़ा बेसमेंट है, और काफ़ी जो है ना मेहनत करी हुई इन्होंने यहाँ पर, और प्रॉपर इनकी जो है ना तेहरान टू मशहद, मशहद टू तेहरान, यहाँ पर ट्रेन्स वगैरह चलती है, स्टेशन बने हुए हैं प्रॉपर, और सफाई सुथराई आप देख सकते हैं कितनी सफाई सुथराई है। फुल जो है वो AC चल रहा है यहाँ पर, और कोई आपको गंदगी कोई चीज़ नहीं हुई। देखिए ये ट्रेन कहीं और से आ रही होगी, उसका स्टेशन दिया गया ये यहाँ पर। फिर इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ जो है ट्रेन, जैसे जैसे लोग जैसे आ रहे हैं यहाँ पर, उस हिसाब से जो है वो एग्जिट का सीन दिया गया। अभी जो है हम यहाँ से चलते हैं, एग्जिट करते हैं, ऊपर आते हैं, वापसी बेसमेंट में आपको दिखाया, काफ़ी बड़ी जगह थी। फिर वापसी एक्सेलेटर्स के थ्रू जो है वो हम ऊपर चलते हैं, फिर आपको जो है यहाँ का जो टर्मिनल है तेहरान मशहद का टर्मिनल दिखाते हैं आपको। भाई माशाल्लाह ट्रेन में बहुत मज़ा आया हमें, और यकीन करें ऐसी ट्रेन जो है, सफ़र तो हमने किए हैं काफ़ी कराची में ट्रेन्स के, मगर ऐसी ट्रेन जो है ना फर्स्ट टाइम डबल ट्रेन, और कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल थी ये। ऐसा लग रहा था यकीन करें कि प्लेन से कम की जो है ना, बंदा अगर ख्वाहिश रखता था प्लेन की तो समझ में प्लेन ही है। बाकी ऊपर जो है फ्लोर पे जो है, जैसे हम बेसमेंट से ऊपर आए, हम तो बेसमेंट से ऊपर जो है आपको ये दिखेगा, ये जो है सिंगल ट्रेन है, ठीक है। ये थोड़ी सी लो क्वालिटी में ट्रेन है, और फिर हम चलते हैं भाई यहाँ पे, ये एग्जिट आ गया, ये टर्मिनल है पूरा, फिर टर्मिनल के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या मामला था। टर्मिनल के अंदर आ गए, वही चेकिंग वगैरह सब चीज़ें हो रही है। भाई मशहद टर्मिनल हम पहुंच चुके हैं खैर खैरियत से, और मशहद टर्मिनल पे आप रश देख सकते हैं भाई लोगों का, क्योंकि ट्रेन से जो है इजीली लोग तहरान भी जा सकते हैं और दूसरी जगहों पे भी जा सकते हैं, तो लोग इजीली जो है यहाँ पर ट्रेन का सफ़र करते हैं क्योंकि कॉस्ट भी इनको सही पड़ जाती है और रिस्की भी नहीं होता। और जैसे कि हमारे यहाँ जो है अभी थोड़ा सा वेटिंग है और चेकिंग वेकिंग होकर फिर हम निकलते हैं बाहर की तरफ, तो हमने सोचा आपको थोड़ा सा मंजर यहाँ दिखा दें। और यहाँ पे जिस हिसाब से हमारे एयरपोर्ट्स पे भी जो है वो कंपनीज थोड़ी सी बनी हुई होती हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए होते हैं रिफ्रेशमेंट्स के हवाले से, तो यहाँ पे भी वैसे ही सिलसिला मौजूद है और साफ़ सुथराई देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा मशहद का जो है ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। इसके बाद जो है हम निकल पड़े एग्ज़िट करके बस में, और बस हमें ले जाएगी हमारे होटल पर, और फिर होटल से जो है फिर आपको फर्दर वहाँ का सफ़र दिखाते हैं। और रास्ते का भी देख सकते हैं, रास्ते में यार कितने साफ सुथरे रोड्स और मशहद मशहद ये यार वाकई। और आपको जगह जगह पे यहाँ पर मशहद में मस्जिदें वगैरह श्राइन्स वगैरह दिखेंगी मुख्तलिफ, तो आगे इंशाल्लाह वीडियोस में भी आपको जो है सारी चीज़ें फर्दर दिखाते रहेंगे हम। और शाम का भी मौसम हो रहा है और सूरज अपना ग्रूब हो रहा है, तो हम इंशाल्लाह आपको सारा मंजर दिखा रहे हैं। और अब तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट नीचे
बना दिए मैंने, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऊपर आइकन आ रहा होगा वहाँ पे भी देख सकते हैं। और खुशगवार देखिए इतने बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं, और यहाँ पर लेट्स सी हमारा होटल कौन सा है, देखते हैं। साइकिल चल रही है यहाँ पे भी, यूज हो रही है भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम 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 टू जो है मशहद, और मशहद में हम मौजूद हैं। मशहद माशाल्लाह से पहुंच चुके हैं, और जैसा कि भाई आप लोग कहते हैं कि भाई मशहद के जो है रूट्स वगैरह दिखाएं, तो आपको वो भी दिखाते हैं, और काफी जो है वहाँ पे साइंस वगैरह हैं वो भी दिखाएंगे आपको, सारी डिटेल्स दिखाएंगे। और अभी सुबह का मंजर आपको दिखा रहे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, और यकीन करें यार, यकीन करें यहाँ पर इतनी जो है ना आबो हवा जो है इतनी साफ सुथरी आबो हवा है, और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और तारीख जितने जो है आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हुई हुई हैं, और बहुत जो है ना एडवांस आप कह सकते हैं कि एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर हुआ है। आपको जो है थोड़ा सा मैं बैक कैमरे से भी जो है यहाँ पे मंजर दिखाऊंगा, ताकि जो है आपको इजीली समझ आ जाए। और यहाँ पर जो है एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि भाई यहाँ पे जो है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो है यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा इशू हुआ है, और इंग्लिश इनको आती नहीं है, और इंग्लिश समझ भी नहीं सकते ये लोग, तो उर्दू जो है वो समझ लें कि अगर आपको कोई प्राइस वगैरह पूछनी है तो वो बता देते हैं प्राइस वगैरह, वो भी जो है वो पाकिस्तानी में बता देंगे कि भाई ये जो है इतने हज़ार की है, इतने लाख की है, इस तरह करके, वो भी जो है इनको समझ नहीं आती। मोस्टली कैलकुलेशन वगैरह जो है कैलकुलेटर पे मोबाइल पे बताएंगे आपको। बाकी जो है आपको यहाँ पे एक और चीज़ ही बता के चले, जैसे देखें मेरे पीछे ये बाग देख सकते हैं, कितना साफ सुथरा बाग और खुशगवार बाग मौजूद है यहाँ पे। और इसके बाद जो है दो तीन चीज़ें जो है ना मैंने सोची थी आप लोग को बताऊंगा मैं, अभी तो फिलहाल सुबह का टाइम हो रहा है, बहुत साफ सुथरा माहौल और बड़ा जो है ना खुशगवार मौसम है। बड़ी सर्दी लग रही है भाई, यकीन करें माइनस सेंटीग्रेड अभी कुछ चल रहा है, और मेरे से जो है ना अभी मोबाइल वगैरह पकड़ा भी नहीं जा रहा, यकीन करें वो हालत हो रही है। और यहाँ पे जो है आपको मैं बैक कैमरे से एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ, जैसे जो है ना यहाँ पे आप कार्स देखेंगे, मोस्टली कार्स जो है इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है यहाँ पे ना, तो काफ़ी लोग जो है ना इन चीज़ों को पसंद करते हैं, और इनका जो है ना यही ज़्यादातर आप जैसे होटल्स वगैरह देखें, होटल्स काफ़ी होटल्स जो है ना बड़े बड़े मौजूद इनके पास, काफ़ी जो है देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर काम जदीद तेज तरीन जो है ना काम चल रहा था इनका यहाँ पर, और सफाई सुथराई का आप खुद देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा जो है ना मॉल हुआ है। और गाड़ियों का एक और चीज़ मैं बता चुका, कोई भी गाड़ी जो है ना मैंने ना कोम शहर में ना यहाँ पर मशहद में देखी अभी तक कि कोई डेंट लगा हुआ हो किसी पे जो है ना किसी ने जो है ना वो लकीर वगैरह मारी हो या कोई इस तरह का हो, सारी साफ सुथरी गाड़ियाँ, कोई जो है ना डैमेज गाड़ी नहीं है, ठीक है। और आपको जो है और भी चीज़ें दिखाते रहते हैं यहाँ पर कि क्या मामलात हैं यहाँ पर। और दूसरा मैं जो है आपको एक और चीज़ से बता चलूँ, अगर चैनल पर नए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी मेरी तो जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, और आप अगर चाहें तो आप जो है लिंक में ऊपर दे दूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम आपको एक और चीज़ बताते चलें भाई, यहाँ पर जो है खाने पीने का ही बड़ा प्रॉब्लम है। खाने पीने का क्या प्रॉब्लम है, खाने पीने का ये प्रॉब्लम है
कि भाई यहाँ पे खाया जाता है सादा बिल्कुल, ठीक है, और हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर खाना मौजूद नहीं है, क्योंकि जो है आप खाना तो ले लेंगे मगर आपसे खाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट वाइज बिल्कुल फीका होता है, और टेस्ट वाइज फीका होने की वजह से जो है ना आपसे खाया भी नहीं जाएगा और आपको पसंद भी नहीं आएगा। इस वजह से जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो चीज़ यहाँ मुझे समझ आई तो मैं वो टेस्ट करके लेकर आपको बताऊंगा कि प्राइस वगैरह भी, और बाकी मोस्टली जो है मैं यहाँ पे जो है श्राइन्स वगैरह विजिट करूंगा, उसका आपको मैं डिटेल बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, ताकि जो है आपको पता चल सके। अब जैसे ये देखें, होटल देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और मोस्टली जो है वो लोग फॉरनर जो आते हैं यहाँ पर रुकते हैं, और आसपास जो है काफी होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर श्राइन्स है जिसकी वजह से जो है वो मोस्टली लोग जो है उनको यहाँ पर रहने में आसानी होती है, ताकि वो इजीली जो है श्राइन्स पे जा सकें। तो अभी सुबह का मंजर है, अभी होटल भी आपको दिखाते हैं, होटल विजिट करवाते हैं कि भाई अभी हमारे पास जो है कौन सा होटल है और उसके क्या चार्जेस वगैरह हैं, किस तरह आप आ सकते हैं यहाँ पर, वो सारी डिटेल आपने देख ली होगी ऊपर। और यहाँ के कौवे आपको बताते चलें भाई, ये देखें यहाँ का कौवा, पाकिस्तानी कौवों को जो है ना 3 गुना बड़ा कर दें तो ये कौवा बनेगा, देख सकते हैं कौवे का साइज चेक करें, ये देखें, ये खाते पीते कौवे हैं भाई। यहाँ सब चीजें आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो है ना सब खाती पीती चीजें मिलेंगी, और ये सुबह का मंजर आप देख रहे हैं, माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत यार पंचुअल लोग हैं यहाँ पर, टाइम के पाबंद हैं, और जो आपको कमिटमेंट करेंगे उसी कमिटमेंट पे जो है ना ये पूरे होते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूं होटल्स के हवाले से, और दूसरे जैसे जो है बसेस वगैरह यहाँ पर, जिस बसेस में आप आते हैं बुकिंग करवाते हैं और ये मामला तो होते हैं, अगर जो आपने टाइम दिया होगा वो उसी टाइम पे आएंगे, उसी टाइम पे आपको जो है वो ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने के बाद जो है वो आपका वेट नहीं करेंगे ये, और फौरन चले जाएंगे। और यहाँ की जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जो है आपने ट्रेन स्टेशन देखा यहाँ पे, और जैसे कि आपको गाड़ियाँ बताई, रोड्स बता रहे हैं, बाकी माशाल्लाह और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, नाइट रोड व्यू, बाकी जो है यहाँ पे क्या चीज़ें किस प्राइस में मिल रही हैं, और दूसरी चीज़ें भी दिखाएंगे। तो फिर जो है अभी होटल की तरफ चलते हैं, होटल में जो है आपको विजिट करवाते हैं।